हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आसन। अभी हम देखेंगे वो स्मार्ट स्कीम के बारे में। सो दिस टॉपिक इज इम्पोर्टेंट फॉर द यूपीएससी आईएएस पीसीएस एसएससी के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। सो इसमें हम पूरा जो कि वो स्मार्ट स्कीम क्या है एंड इससे रिलेटेड जो कि है जो टॉपिक है एंड इससे रिलेटेड जो भी है इसको हम डिसीजन करेंगे। ओ स्मार्ट है क्या? ओ स्मार्ट का जो फुल फॉर्म है ओशन सर्विसेज मॉडलिंग एप्लीकेशंस रिसोर्सेस एंड टेक्नोलॉजी, उसको क्या बोलते हैं ना, ओ स्मार्ट स्कीम। बहुत ही इम्पोर्टेंट स्कीम है, इसको अप्रूव्ड किया था यूनियन कैबिनेट अगस्त 2018 में। इसको इम्प्लीमेंट जो कि इम्प्लीमेंटेड कौन करता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। ठीक है, वो स्मार्ट स्कीम को कौन इम्प्लीमेंट करता है ना, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस। सो ये जो इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री है ये इम्पोर्टेंट रहता है। इसका जो एम क्या है, इसका एम ये है ओशन जो कि ओशन का रिसर्च एंड सेटिंग ऑफ द अर्ली वार्निंग वेदर सिस्टम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है ना, ये एड्रेस करता है ओशन डेवलपमेंट एक्टिविटीज सच एज जैसे क्या, सर्विसेज टेक्नोलॉजीज रिसोर्सेस ऑब्जर्वेशन एंड साइंस एंड प्रोवाइडेड नेसेसरी साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजी बैकग्राउंड रिक्वायर्ड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी जो है ये वाटर से रिलेटेड है। ठीक है, सो ब्लू इकोनॉमी क्या होता है ना, जो ओशन एंड सी और लेक में क्या होता है, जो कि इकोनॉमिक एक्टिविटी होता है उसको ब्लू इकोनॉमी बोलते हैं। सो ऑब्जेक्टिव क्या है ना, टू जेनरेट एंड रेगुलरली अपडेट इंफॉर्मेशन ऑन द मेरान लिविंग रिसोर्सेस। सो वो स्मार्ट स्कीम में क्या है, इसमें ये जो है रेगुलरली अपडेट करेगा जो कि इंफॉर्मेशन जो कि मैराइन लिविंग रिसोर्सेज के बारे में एंड उसका जो रिलेशनशिप विद फिजिकल एनवायरनमेंट इन द इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। सो हमने पढ़ा है कि ई जेड माने के बारे में पढ़ा है, इंडियन जो कि एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन के बारे में, कि क्या होता है ना, पीरियडिकली मॉनिटर करता है लेवल्स ऑफ द सी वाटर पोल्यूटेंट्स। ठीक है, फॉर द हेल्थ असेसमेंट ऑफ द कोस्टल वाटर्स ऑफ द इंडिया, टू डेवलप शोरलाइन चेंज मैप्स फॉर द असेसमेंट ऑफ कोस्टल इरोजन ड्यू टू द नेचुरल एंड एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज। सो बेसिकली ये क्या है ना, सी पोल्यूटेंट को भी मॉनिटर करेगा एंड जो कि क्या शोरलाइन में जो चेंजेस होता है, मैप कैसे चेंजेस होता है ना, जो कि सॉयल इरोजन होता है, सॉयल इरोजन कैसे होता है ना, आइदर नेचुरली होगा या एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी के द्वारा होगा। टू डेवलप ए वाइड रेंज ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट ओशन ऑब्जर्वेशन सिस्टम्स फॉर द एक्विजिशन ऑफ द रियल टाइम डाटा फ्रॉम द सी अराउंड द इंडिया एंड टू कैटर द टेस्टिंग एंड सी ट्रायल्स एक्टिविटी ऑफ द ओशन टेक्नोलॉजी। टू जेनरेट डिसमिनेट ए सूट ऑफ द यूजर ओरिएंटेड ओशन इंफॉर्मेशन एडवाइजरीज वार्निंग डाटा डाटा प्रोडक्ट्स फॉर द बेनिफिट ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसके द्वारा क्या होगा ना, ये टोटली जो कि पूरा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा जो कि डाटा देगा डाटा प्रोडक्ट्स के बारे में, वार्निंग के बारे में। ठीक है, टू डेवलप द हाई रिजोल्यूशन मॉडल्स ऑफ फॉर द ओशन फॉरकास्ट एंड री एनालिसिस द सिस्टम। ओशन फॉरकास्ट के बारे में जो कि ये भी डाटा देगा। ओशन फॉरकास्ट जो है क्यों इम्पोर्टेंट है, ओशन फॉरकास्ट ओशन में क्यों इम्पोर्टेंट है, किस लिए ना, जो कि कोई भी शिप जाता है। ठीक है, सो उसका जो नेविगेशन सिस्टम रहता है, उसका जो रूट रहता है वो पहले से वो बना के रखता है। ऐसे नहीं कि जैसे व्हीकल, हम जो रोड में व्हीकल चलाते हैं सो कोई भी रोड में हम ले सकते हैं। सी में क्या रहता है, एक पर्टिकुलर रूट रहता है, उसी रूट को क्या है ना वो लोग फॉलो करते हैं, सी रूट बोलते हैं उसको। उसी रूट में क्या है, सपोज कहीं साइक्लोन आएगा, ओके, या लो प्रेशर है सो उसी एरिया में जाएगा तो सिर्फ उसमें क्या होगा ना, उसको बहुत दिक्कत रहेगा उसका नेविगेशन करने के लिए, बिकॉज़ वहाँ पे जो है विंड का पावर ज़्यादा रहेगा, वेव्स ज़्यादा रहेगा, सो बहुत डिफिकल्ट रहेगा मूव करने के लिए एंड उसका जो है ऑयल जो है बहुत खर्चा होगा, ओके, इकोनॉमिक खर्चा होगा।
सो इसलिए क्या करेगा वो, जो सूर्य जो कि सी रूट में जाना चाहिए वो सी रूट से थोड़ा सा जो कि लेफ्ट करके वो जाएगा। ओके सो हम यहाँ पे देखेंगे, सो बेसिकली दिस इज द, हम देखेंगे दिस इज द सी रूट। सपोज एक शिप का रूट जो है ये ऐसे है, सपोज यहाँ पे एक एरिया है, यहाँ पे लो प्रेशर होगा, सो सिर्फ यहाँ पे जो कि ये जो डायरेक्ट पाथ है उसको वो नहीं लेगा। ओके सो वो क्या करेगा, सपोज यहाँ पे कुछ, यहाँ पे उसका जो रूट है उसको कट मार करके ऐसे करके फिर ये जो है जुड़ जाएगा। ओके सो इसको बोलते हैं क्या ना, सी रूट। सो टू डेवलप द एल्गोरिथम्स फॉर द वैलिडेशन ऑफ द सेटेलाइट डाटा फॉर द कोस्टल रिसर्च एंड मॉनिटर द चेंजेस इन द कोस्टल रिसर्च ऑल्सो, सो एक्विजिशन ऑफ कोस्टल रिसर्च वेसल फॉर द कोस्टल पोल्यूटन मॉनिटरिंग, टेस्ट ऑफ द वेरियस अंडर वाटर कंपोनेंट्स एंड द टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशंस एंड द सॉफ्टवेयर देयर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑल्सो। ये जो होता है सी आर वी एस मीन्स कोस्टल रिसर्च वेसल्स। सो कोस्टल में क्या होता है, बहुत सारे रिसर्च वेसल्स रहता है, किस लिए, सो वो लोग क्या करते हैं ना, वो मॉनिटर करते कोस्टल का पोल्यूशन जो कि है वो बढ़ा या कम हुआ, वहाँ पे जो अंडर वाटर कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में वो लोग स्टडी करते हैं। ठीक है, सी ओरिजन जो कि है, जो कि सॉयल और जो कि इरोजन होता है वो किस लिए होता है, वो सब के ऊपर वो क्या है ना स्टडी करते हैं। टू डेवलप द टेक्नोलॉजी टू टेप द मेराइन बायो रिसोर्सेस, जेनरेट द फ्रेश वाटर एंड ओशन एनर्जी एंड डेवलप द अंडर वाटर व्हीकल्स एंड द टेक्नोलॉजी, एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द बालास्ट वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी। बालास्ट वाटर क्या होता है, कोई सीप है, ठीक है, सो सीप कोई सीप है वो सामान क्या है लेके जा रहा है कहीं, सपोज जाएगा इंडिया टू श्रीलंका, सो बेसिकली वो जब जाता है वो कुछ सामान लेके जाता है, सो आने का टाइम में भी वो सामान लेके आएगा या वैकेट भी आता है। ठीक है, सो जो उसका जो एम्प्टी है, एम्प्टी वेसल आएगा, सो उस टाइम में क्या है उसको स्टेबलाइज करने के लिए, क्योंकि वाटर को क्या है सी से वो लेके उसका बॉडी में रखता है। ओके एक लेवल लेता है उसका ऊपर, उसको बालास्ट वाटर बोलते हैं। वो बालास्ट वाटर को क्या है ना डिस्चार्ज करता है। ठीक है, जैसे कि क्या कोई पॉट में आ जाएगा तो वहाँ पे डिस्चार्ज करता है, सो बालास्ट वाटर डिस्चार्ज बाय द सी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ द इन्वेसिव जो कि स्पेसीज इन द ओशंस। ओके बाय टेकिंग वाटर फ्रॉम वन पोर्ट एंड डिस्चार्ज इट ड्यूरिंग द नेक्स्ट पोर्ट कॉल। टू कैरी आउट एक्सप्लोरेशन ऑफ द पॉलीमेट्रिक नोडल्स एम पी एन जो बोलते हैं फ्रॉम द वाटर डेप्थ 5,500 जो कि मीटर इन द साइट ऑफ द 7,000 जो कि है, दैट इज द करेक्शन, दैट इज द 75,000 स्क्वायर किलोमीटर्स। ओके अलॉटेड टू इंडिया बाय द यूनाइटेड नेशंस इन द सेंट्रल इंडियन जो कि ओशन बेसिन्स एंड कैरी आउट द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द गैस आइलैंड। सो एम पी एन ऑल्सो कॉल्ड मैग्नेसिस जो कि है नोडल्स आर द रॉक जो कि है कंक्रीशंस फॉर्म्ड ऑफ द कंसेंट्रेटिक लेयर ऑफ द आयरन एंड मैग्नेसियस हाइड्रोक्साइड अराउंड ए कोर। एम पी एन कंटेन द मल्टीपल मेटल्स लाइक जैसे कि क्या है ना कॉपर निकेल कोबाल्ट मैग्नेसिस आयरन लीड जिंक अल्मोनियम सिल्वर गोल्ड प्लैटिनियम इट्स इन द वेरिएबल कॉन्स्टिट्यूशंस आर द जो कि प्रिसिपिटेट ऑफ द हॉट फ्लूड्स फ्रॉम द अपवेलिंग हॉट मैग्मा फ्रॉम द डीप इंटीरियर ऑफ द ओशनिक क्रस्ट। सो ओशनिक क्रस्ट में क्या है, ओशनिक जो क्रस्ट रहता है, क्रस्ट जो कि है उसके नीचे कोर में जाते हैं। ठीक है, सो कोर जो है थे कोर में क्या रहता है ना, वहाँ पे हॉट जो कि मैग्मा रहता है। ठीक है, माइनिंग फॉर द पॉलीमेट्रिक जो कि है पॉलीमेटालिक नोडल्स इज ऑफ द स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस फॉर द इंडिया इज देयर आर नो टेरिस्ट्रियल सोर्सेस ऑफ द मेटल इन द इंडिया।
एक्सप्लोरेशन ऑफ वॉल्यूमेट्रिक जो कि है मेटालिक जो सल्फाइड है नियर द रोडजियोस ट्रिपल जंक्शन इन द 10,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया अलॉटेड टू द इंडिया इंटरनेशनल वाटर्स बाय द इंटरनेशनल सीवेड अथॉरिटी. सबमिशन ऑफ इंडिया क्लेम ओवर द कॉन्टिनेंटल सेल्फ जो कि एक्सटेंडिंग बियॉन्ड द ईजेड सपोर्ट बाय द साइंटिफिक डाटा. सो दैट्स ऑल. थैंक यू.